एक वृंदावन जंगल में बगीरा नाम का एक जवान शेर रहा करता था। उसके अंदर कुछ ताकतवर शक्तियां भी थी जिनसे वह अपने जंगल की रक्षा किया करता था। बगीरा अपने बहुत अच्छे दोस्त बाघ और अपने बेटे सिम्बा के साथ बहुत खुशी से रहा करता था। शाम के समय शेर बगीरा अपने बेटे को रोज बाघ के साथ टहलने के लिए भेजा करता था। वह सभी खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। वहीं दूसरे जंगल में कुछ चीता रहा करते थे। उनका एक सरदार भी था जिसका नाम था कालिया। वो सभी चीता बहुत खतरनाक और बेरहम थे। एक बार उनका सरदार कालिया उनसे बोलता है, सुनो मेरे जवान साथियों, कई दिनों से हम कहीं घूमने नहीं निकले, चलो आज पास के जंगल में चलते हैं, आज शिकार भी वहीं चलकर करेंगे। तब वो ऐसा बोलकर बगीरा के जंगल में घुस आते हैं और पास में खड़े जानवरों का शिकार करने लगते हैं और देखते ही देखते बहुत से जानवरों का शिकार कर लेते हैं। तभी उनमें से बचकर एक भालू भागता हुआ महाराज शेर के पास जाता है और बताता है, महाराज महाराज, हमारे जंगल में कई सारे खतरनाक चीता घुस आए हैं और उन्होंने हमारे जंगल के बहुत से जानवरों को मार भी डाला है महाराज। ये सुनते ही शेर बगीरा भागता हुआ उनके पास पहुंचता है और अपनी जादुई शक्तियों से उनके ऊपर वार करता है, तो उनमें से कुछ चीता घायल होकर वहीं मर जाते हैं। तब उनका सरदार कालिया वहां से अपने साथियों के साथ भाग जाता है और वहीं जंगल में रुककर गुस्से से बोलता है, यह जादुई शेर कौन था और इसकी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? अब इसे इसका खामियाजा भुगतना होगा। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन वो शेर बहुत ताकतवर है, हमें उससे बदला लेने के लिए कोई ना कोई तरकीब सोचनी होगी। फिर 2-3 दिन बीत जाने के बाद वो कालिया शेर के बेटे को उठा लेता है और शेर के पास जाता है। अपने बेटे को उनके हवाले देख शेर बहुत परेशान हो जाता है। शेर, तुमने हमसे पंगा लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे ही सामने मेरे ही साथियों को मार डाला, अब चाहे तो तुम्हारा ये मासूम बेटा मारा जाएगा या फिर तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। बेचारा शेर अब दोनों ओर से मुसीबत में घिर चुका था। तब शेर कालिया से बोलता है, रुको कालिया, तुम मेरे बेटे को छोड़ दो, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। तब बगीरा खुद ही नीचे गिर जाता है और कालिया शेर के बेटे को छोड़कर बगीरा शेर को जान से मार डालता है और अपने साथियों का बगीरा से बदला भी ले लेता है और शेर को मारने के बाद वो अपने जंगल वापस लौट जाता है। बेचारा शेर का बेटा अब अपने पिता के पास खड़ा अकेला रो रहा था कि तभी वहीं पर एक सोने का पेड़ उतरता है। तभी उसके अंदर से कुछ शक्तियां निकलती है और बगीरा के शरीर में चली जाती है। तभी बगीरा फिर से जिंदा हो जाता है। ये देखकर बगीरा का बेटा भी बहुत खुश हो जाता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, सुनो शेर, तुम्हारे साथ तुम्हारे अपने ने ही गद्दारी की है। क्या, मेरे अपने ने? आखिर वो कौन हो सकता है पेड़? तुम अपनी दोनों आंखें बंद करो, जो पीछे हुआ वो तुम्हें सब दिख जाएगा। तब शेर अपनी दोनों आंखें बंद करता है। तब शेर को दिखाई देता है कि जब शेर उन चीता के साथ लड़ रहा था तो बाघ ये सब खड़ा देख रहा था। अरे, अगर आज ये चीता मिलकर इसे मार देंगे तो मेरा तो काम आसान हो जाएगा और फिर शेर के बाद इस जंगल का मैं राजा बनूंगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, शेर उन्हें मार कर भगा देता है। तो कुछ देर बाद बाघ उनका पीछा करते हुए उनके पास जाता है और कहता है, सुनो भाइयों, मैंने तुम्हारे साथ जो हुआ वो सब देखा, मैं तुम्हारी इसमें मदद कर सकता हूँ, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि अगर तुमने शेर को मार डाला तो मैं इस जंगल का राजा बन जाऊंगा और तुम अपना बदला भी ले लोगे। लेकिन हम उसे कैसे मार सकते हैं? वो तो बहुत शक्तिशाली है। बगीरा शेर की एक कमजोरी है, वो है उसका बेटा। शाम होने पर शेर अपने बेटे को
मेरे साथ टहलने भेजता है, तो कल मैं शेर के बेटे को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उसे नदी के पास से उठा लेना, मैं उसे वहीं छोड़कर चला जाऊंगा। तुम उसे उठाकर शेर के पास ले जाना, फिर बाकी तुम्हें पता ही है कि तुम्हें क्या करना है। ये तो सच में ही बहुत अच्छा आइडिया है, हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे बाघ। शेर अपनी आंखें बंद करके ये सब देखता है। उसे ये देखकर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मैं ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा सबसे अच्छा और सबसे करीबी दोस्त मेरा दुश्मन निकलेगा, लेकिन उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तब शेर भागता हुआ गुस्से में बाघ के पास जाता है और उसे बहुत मारता है, और फिर उसे मारने के बाद एक गुफा में हमेशा के लिए कैद कर देता है और फिर अपने बेटे के साथ हंसी खुशी से रहने लगता है। उम्मीद है आपको आज की हमारी स्टोरी पसंद आई हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फ्यूचर में अच्छी अपडेट्स के लिए, अच्छी और अमेजिंग यूनिक स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।